सिंगल अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग देख लीजिए, कुछ इस तरह है। कपड़े को स्ट्रेच करके देख लीजिए, स्ट्रेच कपड़ा चौड़ा साइज़ में आना चाहिए। मेजरमेंट स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, इसी मेजरमेंट के हिसाब से हम बॉडी लेंथ, चेस्ट लेंथ, घेर लेंथ और स्लीव्स लेंथ, इन सब का नाप इसी मेजरमेंट के हिसाब से लेंगे। सबसे पहले कपड़े में बॉडी कट कर लेंगे। बॉडी की लेंथ 16 है, इसी हिसाब से कपड़े को बराबर कट कर लेंगे। कपड़े को बराबर कट करने से मेजरमेंट बराबर आ जाता है। बॉडी की लेंथ 16 और मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। इसी तरह निशान लगा लें और कपड़े को कट कर लें। चेस्ट की चौड़ान 24 है, 24 का हाफ 12 और मार्जिन 1 इंच एक्स्ट्रा मिलाकर 13 लेना है। इसी तरह से बॉडी का हिस्सा कट कर ले। और इसके घड़ी को ओपन करके एक के ऊपर एक रख देना है, इससे बगल और गला कट करने में आसानी हो जाएगी। बगल और गले का मेजरमेंट जो शोल्डर का 6 है वही रहेगा और बगल की लेंथ 6, जो हमेशा सिंपल सादे नाप के लिए मेजरमेंट होता है वही मेजरमेंट लेना है। एक और आधे इंच के हिसाब से बगल ड्रॉ कर लीजिए, शोल्डर 3.5, गला 5.5, सिंपल सादा जो सादे ड्रेस के लिए नाप होता है वही नाप आप लीजिए और कट कर ले। सिंपल सादा अम्ब्रेला फ्रॉक 2.5 मीटर कपड़े में आसानी से हो जाएगा। इस ट्रिक से आप फ्रॉक की कटिंग कर लीजिए। सबसे पहले आप बॉडी कपड़े में अलग से निकाल लें और इसके बाद घेर निकालें। घेर की घड़ी इस तरह है, आप देख लीजिए। सिंपल सादा अम्ब्रेला फ्रॉक कट करने के लिए सिंपल 4 फोल्ड घड़ी रहेगी। इसमें जो मेजरमेंट बॉडी की चौड़ान जिस तरह से 24 लिया था उसी तरह से उसमें से आधा करके 12 चौड़ान लेना है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से मेजरमेंट आप टिक कर लीजिए। 12 लेने पर दोनों के सेंटर से चेक करके निशान डाल दे, वही निशान से लेंथ लेना है, 25 लेंथ लेना है। दोनों साइड से निशान लगाकर आप ऊपर का हिस्सा कट कर लें और नीचे से निशान लगाकर दोनों को एक जैसा मिला कर ड्रॉ कर लीजिए। ड्रॉ करने पर गोल घेर कट कर लेना है। दोनों साइड से दोनों निशान को मिलाकर कट कर लें। बचा हुआ कपड़ा जिस हिस्से में जॉइंट लगाना है उसके नीचे रख दें और वहां से बराबर
ऊपर के कपड़े की तरह कट कर लें। इसे कट करने पर आप उसे ऊपर रखकर देख लें कपड़ा बराबर कट हुआ है या नहीं, और जो कपड़ा बराबर से दोनों को मिलाकर कट कर लें। इस तरह से सिंगल घेर तैयार हो जाएगा। बचे हुए कपड़े में आस्तीन बना लें। फुल आस्तीन के लिए कपड़ा इस तरह से बचे हुए कपड़े में डिज़ाइन आस्तीन बनाने के लिए आप इस तरह से डिज़ाइन बना लें। चार हिस्से में कपड़े को कट कर ले बराबर से। कम कपड़े में डिज़ाइनिंग आस्तीन तैयार हो जाएंगे। इसे सीने के बाद आपको आस्तीन का डिज़ाइन मेजरमेंट सब समझ में आ जाएगा। सीने के बाद आपको डिज़ाइन इसका समझ में आ जाएगा। इस तरह से डिज़ाइन कम कपड़े में बनाना है। सीने का तरीका इस तरह से है। पीछे से दोनों साइड से सादे कपड़े की पट्टी लगाकर दोनों के बीच में कपड़ा लगा दे और आधे कपड़े से इस तरह से डिज़ाइन बना ले। डिज़ाइन सीने के बाद आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और फ्रॉक पूरा सिला हुआ आपको देखना है तो कमेंट कीजिए। इस तरह से आप बंद सिलाकर इस पर लगा दें। आस्तीन चौड़े हो जाएंगे और डिज़ाइन भी बन जाएगा। जो आस्तीन पहले तैयार किए हुए हैं उसी के बराबर